मेरे प्यारे देशवासियों, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में देश की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसी सोच के साथ देश को 3 दशक के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देने में हम आज यशस्वी हुए हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में इसकी स्वागत के समाचार एक नई ऊर्जा, नए विश्वास दे रहे हैं। ये शिक्षा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे विद्यार्थियों को जड़ से जोड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसको एक ग्लोबल सिटीजन बनाने का भी पूरा सामर्थ्य देगी। वो जड़ों से जुड़ा होगा, लेकिन उसका सर आसमान की ऊंचाइयों को छूता होगा। आज आपने देखा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक विशेष बल दिया गया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, क्योंकि देश को प्रगति करने के लिए इनोवेशन बहुत आवश्यक होता है। इनोवेशन को जितना बल मिलेगा, रिसर्च को जितना बल मिलेगा, उतना ही देश को आगे ले जाने में और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर आगे बढ़ने में बहुत ताकत मिलेगी। आपने सोचा होगा क्या कभी इतना तेजी से गांव तक ऑनलाइन क्लासेस का इतना माहौल बन जाएगा। कभी कभी आफत में भी कुछ ऐसी चीजें उभर करके आ जाती है, नई ताकत दे देती है। और इसलिए आपने देखा होगा कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस एक प्रकार से कल्चर बन गया है। आप देखिए ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन वो भी कैसे बढ़ रहे हैं। भीम UPI गत 1 महीने में, यानी किसी को भी गर्व होगा कि भारत जैसे देश में UPI भीम के द्वारा गत 1 महीने में 3 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। आइए अपने आप में हम किस प्रकार से बदली हुई स्थितियों को स्वीकार करने लगे हैं, ये इसका नमूना है। आप देखते हैं 2014 से पहले हमारे देश में 5 दर्जन पंचायतें, 5 दर्जन पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर था। गत 5 वर्ष में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है, जो आज इतना मदद कर रहा। सभी पंचायतों में पहुंचने के लक्ष्य के साथ हमने काम शुरू किया था। जो 1 लाख पंचायतें बाकी हैं वहां भी तेजी से काम चल रहा है, लेकिन बदली पड़ी हुई परिस्थिति में गांव की भी डिजिटल इंडिया में भागीदारी अनिवार्य बन गई है। गांव के लोगों को भी इस प्रकार की ऑनलाइन सुविधाओं की जरूरत बढ़ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए पहले जो हमने कार्यक्रम बनाया था हर पंचायत तक पहले पहुंचेंगे, लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अब हमने तय किया है कि सभी 6 लाख से ज्यादा जो हमारे गांव है उन सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। जरूरत बदली है तो हमने प्रायोरिटी भी बदली है। 6 लाख से अधिक गांवों में हजारों लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का काम चलाया जाएगा और हमने तय किया है 1000 दिन के अंदर अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया जाएगा। बदलती हुई टेक्नोलॉजी में साइबर स्पेस, ये हमारी निर्भरता बढ़ती ही जाने वाली है, लेकिन साइबर स्पेस में खतरे भी जुड़े हुए होते हैं। भली भांति दुनिया इससे परिचित है और इनसे देश के सामाजिक ताने बाने, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे देश के विकास पर भी खतरे पैदा करने का ये आसान मार्ग बन सकता है। और इसलिए भारत इसमें बहुत सचेत है, भारत बहुत सतर्क है और इन खतरों का सामना करने के लिए फैसले ले रहा है। इतना ही नहीं,
नई व्यवस्थाएं भी लगातार विकसित की जा रही है। बहुत ही अल्प समय में नई साइबर सुरक्षा रणनीति, इसका एक पूरा खाका देश के सामने आएगा। आने वाले समय में सब इकाइयों को जोड़ करके हम इस साइबर सिक्योरिटी के अंदर सबको एक साथ चलना पड़ेगा, उसके लिए आगे बढ़ने की रणनीति बनाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत में महिला शक्ति को जब जब भी अवसर मिले उन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश को मजबूती दी है। महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार के समान अवसर देने के लिए आज देश प्रतिबद्ध है। आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयले की खदान में काम कर रही हैं, तो आज मेरे देश की बेटियां फाइटर प्लेन भी उड़ा करके आसमान की बुलंदियों को चूम रही है।